आइटम दिख रहे हैं ना वो डायमंड है, सात डायमंड आप समझ सकते हो डायमंड। उन्होंने मुझे डायमंड की रिंग दिलाई। ये गाइस फाइनली शेरिल ने ना दो रिंग सेलेक्ट की है, शेरिल के बर्थडे का गिफ्ट। बहुत दिन का न्यूज़ है क्या कि शेरिल एक्साइटेड है भाई, उसको उसका बर्थडे का गिफ्ट मिल चुका है। हाँ गाइस मुझे वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें पसंद आई, एक नेकलेस भी था। जस्ट गो एंड चेक आउट वंस, आपको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला है कि यहाँ से हमें राइड जाना है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज दिन की शुरुआत हो गई है 9:30 बजे और गाइज मैं नहा धो लिया हूँ। आरुष और शेरिल अभी थोड़ी देर में नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर हमें जाना है शेरिल के लिए एक गिफ्ट लेने, क्योंकि उसके बर्थडे का गिफ्ट भी पेंडिंग था और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो उसका गिफ्ट और बर्थडे का गिफ्ट सेम ही हो जाएगा। तो आज है 2 फरवरी, तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, नहा तो लिया, काम वाम कुछ जो है वो फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं घर से। देखते हैं कि क्या कुछ हम गिफ्ट लेने वाले हैं, हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी स्टार्ट करते हैं हम आज के ब्लॉग। अभी हम आ गए हैं मोती बाग और ये देखो मोती बाग का गुरुद्वारा, कई बार मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया है। और भाई शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो है ना इस रोड पर इतनी भीड़ होती है कि भाई पैर रखने की जगह नहीं होती, ऐसे चप्पे चप्पे पे गाड़ियाँ जो है जाती हैं और धीरे 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 रेंगना, मतलब सब धीरे धीरे रेंगते हैं। अभी तो क्या है कि खैर अभी ऑफिस टाइम नहीं है इसलिए स्मूथ तरीके से सब निकल जाते हैं। तो भाई बस जो है ना ये ख़राब हो चुकी है, आरुष कह रहा है बस टेढ़ी क्यों हो रही है, वो बस ना ख़राब हो गई है। आरुष कह रहा है बस क्रेन उठा के ले जा रही है। हाँ बस जो है क्रेन उठा के ले जा रही है। गाड़ी भगा के दिखाऊँ? हाँ। तो भाई गाड़ियों का नाम तो आरुष को प्रॉपर तरीके से याद हो जाता है, वो देख के ही समझ जाता है कौन सी गाड़ी है। तो एक गाड़ी एक्चुअली ख़राब हो गई इसलिए इसको क्रेन उठा के ले जा रही है। भाई अभी क्या है ना कि मैं ना कल परसों एक वीडियो देख रहा था और उसमें ना एक बंदा जो है, मतलब आजकल क्या हो रहा है कि लोग ना ज़्यादा डिप्रेशन में है। कैमरा है, मोबाइल दिखाएगा तो अच्छा आगे बताता हूँ फिर। वो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ना इस रोड पे ये मौत कचोरी वाले खड़े रहते हैं और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, बेचारे पुलिस ये लोगों को ना पुलिस वाले भगा रहे थे। तो भाई यही इनकी रोजी रोटी है, ठीक है। और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग जो है ना उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितने छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, मगर मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है मोट कचौरी। तुमने खाई है? हाँ तुम्हें दिखाया, तुम तो मोबाइल में लगे हो, आरुष कह रहा मुझे दिखाओ। तो भाई मैंने कभी खाई नहीं, अगर आपने खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी होती है, तो एक बार हम ज़रूर ट्राई करेंगे इसको। गाइस हम लोग कीर्ति नगर तो पहुंच गए, अभी एड्रेस पूछा एक से, उन्होंने बताया कि आगे रेड लाइट आएगी वहां से राइट मुड़ना है। कौन सा पिलर नंबर है? 282 पिलर नंबर के पास एक शॉप, एक शोरूम है, वहां जाना है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मोती नगर रेड लाइट पे और देखो क्या अच्छी अच्छी सीनरी बना रखी है, शेर, बंदर, हाथी। और अभी ऑटो वाले अंकल से हमने पूछा है, उन्होंने बोला है कि यहाँ से हमें राइड जाना है। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पे कीर्ति नगर में और ये है डायमंड फैक्ट्री जहाँ पर शेरिल अपने लिए कुछ देखने वाली है, पानी है तो क्या शेरिल के बर्थडे का गिफ्ट। बहुत दिन से जो ड्यू था 3 महीने से ड्यू था, तो शेरिल के बर्थडे का गिफ्ट यहाँ पर देखेंगे। अभी कोई मतलब अभी कुछ वो नहीं है कि डिसाइड नहीं है कि लेंगे, पसंद आता है तो भाई लेंगे, नहीं पसंद आता तो नहीं लेंगे, फिर और कहीं देखेंगे, है ना। पसंद आता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर कहीं और देखते हैं फिर, है ना। आरुष आओ। तो गाइस कभी कभी ना लोग इतने सेल्फिश होते हैं, मैं आपको बताऊं, वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए मैंने पूछा एक शोरूम वाले से, तो उसने बोला कि यहाँ मत गाड़ी खड़ी करो, बस गाड़ी आने वाली है। और ये अभी की बात नहीं है, मैंने कई लोगों से सुन, मतलब कई टाइम कई बार ऐसा हो चुका है, लोग यूँ कहते हैं कि बस गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, और गाड़ी कोई आती नहीं है। तो भाई इतने सेल्फिश होना भी सही नहीं है। तो मुझे थोड़ी देर का काम था, ज़्यादा देर का काम नहीं था, एक भैया से हमने पूछा, उन्होंने बोला गाड़ी आगे लगा दो। तो कभी कभी लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि भाई जिनकी कोई हद नहीं है। फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें आना था, और अभी चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हम कहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग आए हैं कीर्ति नगर में और कीर्ति नगर में एक शोरूम है डायमंड फैक्ट्री जहाँ पर सिर्फ डायमंड मिलता है। तो फिलहाल अभी शेरिल डायमंड देख रही है
देखते हैं क्या रेंज है क्या है, वो सब चीज़ अभी क्लियर नहीं है, अभी पता करते हैं, देखते हैं पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो भाई अभी देखो शैरिल पहन पहन के देख रही है, कुछ समझ में आया अभी नहीं? एक में कभी कभी। हाँ बोलो। ये वाली सोच रही है मैं लेने के लिए। तो गाइस फाइनली शैरिल ने ना दो रिंग सेलेक्ट की है, अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी लेनी है। गाइस काफ़ी टाइम के बाद डिसाइड कर लिया, क्योंकि इस चीज़ में ना सिलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिलहाल अभी हमने सिलेक्शन कर लिया है, तो बस अभी रेट वेट का पेमेंट वेमेंट करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। गाइस अपनी जो रिंग है वो आ चुकी है और अभी इसको पैक करेंगे। तो गाइस अपना बिल यहाँ पर आ चुका है और यह है इसमें रिंग। चलो डायमंड ले लिया है, कैसी फीलिंग आ रही है? धीरे बोलना पड़ता है शॉप पे ना। चलो ठीक है गाइस, मैं यहाँ का ना डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा और सर से मैंने कार्ड ले लिया है, अगर आपको डायमंड परचेज करना है काफ़ी अच्छे प्राइस पे यहाँ पर मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम ऐसे जगह पर ब्लॉग करते हैं ना तो लोग देखते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर रहा है, इसलिए थोड़ा हम धीरे बोल रहे थे, मगर यह है कि शैरिल एक्साइटेड है भाई, उसको उसका बर्थडे का गिफ्ट मिल चुका है। तो फिलहाल घर पे चलेंगे और शैरिल के विचार लेंगे कि उसको डायमंड लेके कैसा लग रहा है। वो देखो आरुष भी एक्साइटेड है और भाई जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा, यहाँ पर लग चुका है जाम और आरुष की पैंट नीचे खसक गई भागते भागते। पजामा नहीं पहनाया था मैंने इसको। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? यहाँ कुछ बोलोगी? वहाँ तो बोल नहीं पा रहे थे हम। यस यस, मेरा फर्स्ट डायमंड परचेज है ये भाई। थैंक यू, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। थैंक यू जीसस। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि काश मैं कुछ डायमंड का ले लूँ, फाइनली एंड फाइनली ले लिया 24। और हम काफी दूर आए हैं यहाँ है ना। बट जहाँ पे डील अच्छी मिलेगी आप वहीं पे लोगे, सही बात है। तो आपको यार उतने प्राइस में जितना आपका बजट है अगर उसमें आपको डायमंड रिंग मिल रहा है तो क्या बुरा है, सही बात है। आप उसमें गोल्ड लेने जाओगे गोल्ड का पतला सा कुछ आएगा, यहाँ पे आपको प्लस डायमंड भी मिल रहा है उतने ही रेट में तो अच्छा है ना। सही बात है, लेडीज का तो पहला प्यार डायमंड है। तो गाइस अभी चलते हैं, फिलहाल अपनी गाड़ी जो है ना वो जो पेड़ है ना उसके पास खड़ी है और यहाँ जाम में अभी आगे क्या है कि हमें यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। कौन सी आंटी? दो रिंग ले रही है आंटी और इतना चिक चिक चिका चिक लगी। प्राइस के लिए और डिस्काउंट कर दो। अरे भाई वो 36,000 में पता नहीं कितने में उनको अच्छी खासी इतने डायमंड लगी हुई रिंग मिल रही है पूरी सॉलिटेयर वाली। अच्छा इधर आओ, उधर नहीं जाना। देखो यहाँ पे इतना भयंकर जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। वहाँ पे गार्ड भैया भी कह रहे थे अक्सर जाम लगता नहीं है, मगर चलो फिलहाल अभी हम थोड़े बहुत तो जाम में से निकल गए हैं, हमें तो लेफ्ट ही जाना है बस। अभी वहाँ से निकले थे, रास्ते में कहीं पर भी हमें ना खाने का ऑप्शन नहीं मिला। आरुष ने डिमांड करी कि मुझे चिली पटेटो खाने आर के पुरम में मस्त चिली पटेटो मिलते हैं। चिली पटेटो का ऑर्डर दिया और फ्राइड राइस का दिया। गाइस हम लोग घर पे आ गए, चाय वाय सब पी ली और अभी शैरिल बना रही है शाही पनीर। तो गाइज आज जो है ना शैरिल को गिफ्ट मिला है डायमंड की रिंग, तो उसके उपलक्ष में हम सबको शैरिल जो है शाही पनीर बना के खिला रही है, तो अभी तैयारी कर रही है। मैं पहन के भी दिखाऊंगी, आज से वो रोज मेरे हाथों में दिखेगी। गाइस मम्मी ने बोला मैं भी पहन के दिखाऊंगी। और ये एज इट इज मोबाइल में घुसा हुआ है आरुष। अभी जो है ना ब्लॉग एंड नहीं हुआ, शैरिल खाना बना रही है, तो अपने जो एक्साइटमेंट वाले जो विचार होते हैं ना वो भी शैरिल आपके साथ शेयर करेगी और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो रिंग ली है वो किस तरह की है। तो गाइज अभी क्या है कि खाना वाना सब खा लिया हमने और हमारे जो पड़ोसी हैं हमने उनको भी जो है पार्टी दी और शैरिल ने जो आज शाही पनीर बनाया भाई बहुत ही मस्त था, खाने में एक नंबर का मज़ा आ गया। आरुष बोलता है एक नंबर का मज़ा, ठीक है। और अभी जाते हुए मैंने आपको एक बात बोली थी, वो बात मेरी अधूरी रह गई थी, वो बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल शैरिल के एक्साइटमेंट को देखते हुए
शैरिल के कुछ विचार लेते हैं कि कैसा उसको फील हो रहा है आज। ठीक है, तो ज्यादा बातें मैं ना करते हुए सीधे चलते हैं शैरिल के पास। आरुष बोला कि मुझे भी दिखा दो, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो। क्या ये क्या बोला कि मतलब ये क्या हुआ कि मैं खेल रहा हूँ? तो गाइस सबसे पहले देखो भाई पैकिंग, ये पूरा का पूरा जो ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरा गोल्ड का है। तो इसका इसकी अनबॉक्सिंग शैरिल करेगी। और वैसे नहीं, वैसे हमारे घर में जो भी सामान आता है उसकी अनबॉक्सिंग शैरिल और आरुष दोनों मिलके करते हैं। अच्छा आप मुझे बस डब्बा निकाल के दे दो। अच्छा डब्बा निकाल के दे दो मम्मी को, ठीक है? फिर मम्मी खोलेगी। ओके ये। तो गाइज मैंने जैसे आपको बताया है और अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, यह है शैरिल के बर्थडे का गिफ्ट जो कि है गोल्ड। गाइज ये बहुत दिनों से अवेटेड था, मतलब कह सकते हो कि मेरी एक्साइटमेंट अभी किस लेवल पे है ना। मतलब एक लड़की को जो चाहिए होता है ना ज्वेलरी ये सब ना, तो अभी आपको दिखाती हूँ खोल के। पहले चेकआउट द डब्बा, कि डब्बा इतना सुंदर है और इसके अंदर का आइटम भी दिखाती हूँ। माल है इसके अंदर, माल तो गाइस देखो अनबॉक्सिंग हो चुकी है और डब्बा खुल चुका है और देखो डब्बे में लाइट लगी हुई है। बताओ बताओ मैं कम ही बोलूंगा। तो गाइस देखो ये है मेरी रिंग और ये है। अब आप बोलोगे कि भाई रिंग है गोल्ड की तो क्या हुआ? भाई ये गोल्ड नहीं, ये जो आगे सात आइटम दिख रहे हैं ना वो डायमंड है। सात डायमंड, आप समझ सकते हो डायमंड। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये है डायमंड की रिंग। अरुण ने मुझे डायमंड की रिंग दिलाई। ये तो गाइस ये शैरिल के बर्थडे का गिफ्ट है जो कि काफी टाइम से मेरे ऊपर ड्यू था और फाइनली ये गिफ्ट जो है शैरिल को मिल चुका है। और भाई डब्बा देखो यार, मुझे तो यार इसका डब्बा बड़ा पसंद आया। इसके ऊपर भी ना ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भी जो है ना वो डायमंड है। और ये देखो शैरिल ने मैंने पहन लिए गाइस, बताना कैसी लग रही है मेरी रिंग। और अभी जो है शैरिल कह रही है अभी क्या कुछ और भी लेने के लिए। हाँ गाइस मुझे वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें पसंद आई। एक नेकलेस भी था, बहुत अच्छा सेट था पूरा। मैं लूंगी आगे बट नॉट नाउ, अभी के लिए इतना खर्चा बहुत है। बट स्टिल डायमंड क्या बोलूं, लड़कियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना डायमंड्स आर फॉरएवर। तो मैंने एक रिंग ली है, इस रिंग को भी मैं अभी थोड़े दिन के बाद इसको चेंज करवा लूंगी बिकॉज दे हैव गिवन मी अ ऑप्शन कि आपको अगर और ज्यादा बड़ी रिंग चाहिए या सॉलिटेयर चाहिए तो इस वाले का प्राइस उसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है। तो फिलहाल तो आप इस डायमंड रिंग को रोज मेरे हाथ में देखोगे बट उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद जाके इसको चेंज करा के और थोड़े बड़े वाली जिसमें ज्यादा डायमंड्स हो वो वाली रिंग लेने वाली हूँ फॉर श्योर। डब्बा नहीं अभी, डब्बा नहीं, डब्बा ये हमको डील मिली है ना वो बहुत बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। हम आपको भी रिकमेंड करेंगे, लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कार्ड अरुण दे देंगे। बट वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जरूर जाके एक बार चेकआउट करना। आपको बहुत रीजनेबल सिर्फ डायमंड नहीं मिलते, वहाँ गोल्ड नहीं मिलते, डायमंड एंड गोल्ड आपको मिल जाएगा। नहीं गोल्ड के पर्पस से ना आपको सब कुछ मिलेगा, गोल्ड आपको ऑर्डर पे मिलेगा। आप उनके पास डिजाइन भी लेके जा सकते हो, कस्टमाइज भी करा सकते हो एक्चुअली। लेकिन अगर मुझे इसको कस्टमाइज कराना है तो अगर मुझे इस पे अरुण लिखवाना है और उसमें डायमंड लगवाने हैं तो मैं वो भी कस्टमाइज करा सकती। तो इतना अच्छा चीज आपको वहाँ पे मिलेगा और जस्ट गो एंड चेक आउट वंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। तो गाइस गिफ्ट तो दे दिया, शैरिल खुश है। और बीच में ना मेरी बात अधूरी रह गई थी जब हम जा रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि भाई मैं कल परसों ना एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक बंदा बता रहा था कि मतलब काफी टाइम से ना वो डिप्रेशन में है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ यार, देखो ऐसा ना बहुत सारे लोगों के पास ना प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो उससे भागना नहीं है, उससे लड़ना है। और बहुत सारे लोगों के पास ना कर्ज भी है, ठीक है? मेरे ऊपर भी था एक टाइम पे कर्ज, ठीक है? मैं भी हालातों से लड़ा और मेरी वाइफ ने 100% मेरा सपोर्ट किया, मैं उसको भी आज की डेट में थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है? और हर उस इंसान को आप थैंक यू बोलो जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है? और सबसे पहले तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। और कभी भी किसी भी चीज़ से ना घबराओ मत, भागो मत, हर चीज़ का सलूशन है, ठीक है ना? अगर आपके पास कर्ज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कर्ज है
उस कर्ज के बारे में आप डेली बेसिस पे पॉजिटिव वे में सोचो कि मेरा कर्जा जो है ना वो उतर चुका है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हो ना तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचोगे तो भाई नेगेटिव होगा। अगर आप लिख सकते हो उस कर्ज के बारे में, आपके चाहे आपके पास चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो ना, उसके बारे में डायरी में लिखो कि ऊपर वाले का नाम लेके कि मेरा जो कर्ज है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसी तरह कितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है ना, उस सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिक्लेयर करो पॉजिटिव वे में कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं। जॉब नहीं है तो जॉब के बारे में लिखो पॉजिटिव, बोलो काम धंधा नहीं चल रहा उसके बारे में बोलो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पॉजिटिव बोल सकते हो और सोच सकते हो। नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव होता है। और हम डेली बेसिस पे ये सीखते हैं कि जो आप बोलोगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ऊपर वाले की प्रेजेंस में रहो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। ठीक है, अधिकतर लोग भागा दौड़ी में ऊपर वाले को जो है याद करते हैं, ऐसा मत करो। ऊपर वाला भी देखता है कि भाई मेरे को भी टाइम चाहिए, मेरे को भी टाइम दो, जो चीज़ मेरे से मांगोगे वो चीज़ मैं आपको दूंगा। तो मेरी रिकमेंडेशन भाई यही है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, दूसरों को हेल्प करो, मदद करो, बुरा किसी के बारे में ना तो सोचो और ना बुरा किसी के बारे में कहो। तो गाइज, इस व्लॉग को हमें एंड करना होगा क्योंकि ये व्लॉग जो है ना ऑलरेडी लंबा हो चुका है और आपको मज़ा ज़रूर आया होगा इस व्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और जल्दी हम एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, टेक केयर, बाय बाय।